गाइस हमारा एसी चलते चलते पीछे खिसक गया और ये सिर्फ अब गिरने वाला है। क्या बदबू आ रही है? नहीं बदबू आई है गाइस, ये अपने आप चलते चलते ये पीछे खिसक गया, इसे गिरने ही वाला है, ऐसा ना गिर जाएगा। मम्मी चलने की कोई दिक्कत नहीं है, झटके उठके नहीं मार रही, वो सिमुलेशन से जा ही रहा है। देख सकते हैं आप, वो तो रहता है एंटी, थोड़ा सा थोड़ा सा अभी जो कलाकारी आ गई हमारी एसी रिपेयरिंग। अरे हाँ आंटी, ये पेंच वेंच सब निकल गए, सही बोलते हैं। ये देखो ये यहाँ से बाहर आ रहा है, उसने किस तरीके से लगाया ये एसी। नटवट फट गए उसके, इतने तेज प्रेशर से पीछे गए, अब निकालना ही पड़ेगा। चलो हम मिलकर सब निकलवाते हैं, देख सकते हैं इधर क्या कलाकारी चल रही है। अब तो निकल गया, अब गिरेगा पापा, अब नहीं रुकेगा, नहीं रुकने ये लकड़ी निकल गई। रुको 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 अंकल, ऐसे रोक के रखना पहले, आराम से करना, आराम से जो भी नीचे उतारना है भाई, ऊपर वाला तो निकल ही गया, अंकल आगे करना थोड़ा सा, अटके रहने पे रात को अगर एकदम से गिर गया, वो बोल रही हूँ मैं, नहीं गिरेगा फिर, हिलाने पे नहीं गिर रहा वो, नहीं तो छोड़ दे फिर हम छोड़ दे। हमने इसको इसकी हालत छोड़ दिया क्योंकि ये निकल भी नहीं रहा था, तो हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। अब सुबह एसी वाले भैया आएंगे, वो करेंगे इसको ठीक। पापा ने थोड़ा जुगाड़ पानी करने की कोशिश करी कि इसको थोड़ा सेट कर दिया जाए कि जिससे इसको सपोर्ट मिल जाए, जिससे गिरे ना, और सबके मुंह टेंशन पे, वो नया एसी सबके मुंह टेंशन पे, सबके मुंह टेंशन, सब देख सकते हो ये लोग कैसे टेंशन में बैठे। पापा को सोते हुए को जगाया हमने, बस प्रे कर रही हूँ ये सुबह तक टिक जाए ऐसे ही। सो गाइस अभी सब टेंशन में है और दीदी का भी मूड नहीं है व्लॉग बनाने का। सो यस गाइस मैं अभी व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ बिकॉज रात को मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, बिकॉज एसी का जैसे आपने देखा रात को कैसा सीन हो रखा था, और अभी तक भी ठीक नहीं हुआ है। और वो भैया जो थे जो लगा कर गए थे, हमने उनको कॉल भी किया था, रात को ही मैंने उनको कॉल किया था कि भैया आप ऐसे ऐसे हो गया, मैंने उनको वीडियो बना के भेजी थी, तो उन्होंने बोला मैम मैं सुबह 10 बजे आ जाऊँगा, और 10 बजे से अभी 4 बज रहे हैं और वो लोग सिर्फ टाइम पर टाइम दे रहे हैं और आ नहीं रहे हैं। 3:54 3 ये मेरे को टाइम ही ठीक बताता रहता है, इतना नहीं इतना, मतलब वही 4 बजने वाले हैं और अभी तक वो लोग नहीं आ रहे हैं। अभी एक भैया से कॉल पर बात करी हमने, तो वो बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, तो इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मूड ख़राब था, बिकॉज एसी के बिना मुझसे नहीं रहा जाता, तो मेरा व्लॉग करने का भी दिल नहीं हो रहा था। तो अभी भी ये ऐसे ही अटका हुआ है, और पूरी रात हम लोग कोई भी मैं सजान अमन हम लोग ऐसे हो रहे थे कि नई नींद आएगी, तो हमने कुछ वीडियो शूट करने के लिए भी सोचा बट नहीं करी रात को, कुछ दिमाग ही नहीं चल रहा था सिर्फ इसकी वजह से, और बस
कल से अब मैं व्लॉग ही कंटिन्यू कर रही हूँ और अभी भी एसी नहीं ठीक हुआ है, अभी आप देखो कैसे अटका हुआ है। ये रात से ऐसे ही है। तो गाइज फिर भी मैं अभी रेडी हुई हूँ कि अभी इसके चक्कर में बैठी रहूँगी तो कुछ भी काम नहीं कर पाऊँगी, तो अभी मैं रेडी हुई हूँ। हम लोग नीचे वीडियो बनाने जाएंगे, हमने अभी आज एक अमन की यूट्यूब वीडियो शूट की है और अभी मैं नीचे जाऊँगी थोड़ा सा वीडियोज़ वगैरह बनाऊँगी, जो भी होगा आप देखो। अब दिक्कत बताओ क्या हुई है दोनों के साथ। गाइस अमन और मेरी जो होम्योपैथिक की दवाई थी फेस पिंपल्स की, वो दोनों की डिब्बी के जो ढक्कन थे वो एकदम सेम थे और दोनों साक्षी ने एक जगह रख दी और ये पूरी मिक्स हो गई है और अब मुझे पता ही नहीं चल रहा अमन की। और जो उल्टे काम करता है वो तुम्हें पता है? सारे गाइस मैं उल्टे सारे काम करते, कोई सीधे नहीं होते। और अब ट्राई कैसे कर रही है देखते तो, नशे कर रही है, नशे भी नहीं समझ आ रहा है यार, बहुत ज्यादा ऐसा हो रहा है। अब तो बिल्कुल ही मिक्स कर दिया आपने। नहीं नहीं ये वाली अमन, अगर ये ऐसी थी आपकी दवाई, ऐसी थी अभी देख, ये भी पलट सीधी रखी थी ना ऐसे, तो अमन ऐसे बोल रहा है मैंने ऐसे नहीं ऐसे रखी थी। चला ली इसने तो कॉन्फिडेंस का पैसा है बस, इसमें और कुछ नहीं है। राइट राइट हाँ गाइस सजान ने ड्राइव कर ली और तेरी गाइज बहुत ज़्यादा मज़ा आया और अभी अभी टाइम कम था, चलान को भी घर जाना है, अमन को भी घर जाना है, तो हमने एक एक ही वीडियो बनाई, वो आपको हमारी इंस्टाग्राम पर देखने को मिली। एक और खुशखबरी जिसकी वजह से मैं कल रात से परेशान थी, ये एसी और ये अब लग चुका है और ये फुल पावर चल रहा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब वो अंकल ठीक से लगा के गए पर पैसे लेके गए, दुख हो रहा है इस बात का। बाय बेटा। बाय दीदी। बाय बेटा। बाय बेटा। बेटा बाय। बाय। सो एज गाइज ये वीडियो मैं यहीं पेन करती हूँ क्योंकि बहुत एसी की वजह से अजीब मन था तो मैंने यही शूट कर लिया बिकॉज मैं कुछ बाहर बाहर नहीं जा पा रही थी इसकी वजह से। सो यस, अगर ये व्लॉग आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी। कल मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।